इस साल अत्यधिक पानी आने के कारण यहाँ पर बहुत ही गहरी खाइयाँ पड़ गई है। बरसाती नाले में अधिक पानी आने के कारण जो पुराना जो यहाँ पर सड़क थी वो बह गई है। तो परंतु आज 11वां दिन है और अभी तक ये मार्ग नहीं बन पाया है। रात को 2 बजे यहाँ पर बहुत ही बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें HRTC की 2 बसें इस भूस्खलन के चपेट में आ गई, जिसमें लगभग 49 लोगों की मृत्यु हो गई। हंसराज बागला है, इस तरफ जगेड़ है, उसको भी खतरा पैदा हो गया है। सो हेलो एंड वेलकम, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल हिमालयन वॉचर में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम खड़े हैं कोटरोपी में, जो कि है NH 154 पर, और यहां पर 2017 में बहुत बड़ा ये लैंडस्लाइड आया था, और उसके बाद हर साल बरसात में यहाँ पर रोड बंद होने की संभावनाएं बनी रहती है। उसी तरह इस साल फिर से यहाँ पर बरसाती नाले में अधिक पानी आने के कारण जो पुराना जो यहाँ पर सड़क थी वो बह गई है। तो अभी प्रशासन के द्वारा यहाँ पर 3 JCBs लगाई गई हैं और मार्ग बहाली के लिए कार्य किया जा रहा है। परंतु आज 11वां दिन है और अभी तक ये मार्ग नहीं बन पाया है। हालांकि यहाँ पर रोड तो बना दिया गया है, परंतु इस पर मिट्टी अभी कच्ची है, दलदली है, अभी छोटे वाहन यहाँ से जा रहे हैं। तो आज प्रशासन की तरफ से यहाँ पर SDM और DC मंडी भी आए हुए थे, और उन्होंने अगले लगभग 3 दिन तक रोड को बंद रखने आदेश दिए हुए हैं, जिनमें छोटे एवं बड़े सभी वाहनों को यहाँ से जाने की मनाही दी गई है। इस साल अत्यधिक पानी आने के कारण यहाँ पर बहुत ही गहरी खाइयाँ पड़ गई है। अगस्त 2017 को रात को 2 बजे यहाँ पर बहुत ही बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें HRTC की 2 बसें, जो एक पठानकोट की तरफ से आ रही थी तथा दूसरी मंडी की तरफ से पठानकोट को जा रही थी, इस भूस्खलन के चपेट में आ गई, जिसमें लगभग 49 लोगों की मृत्यु हो गई। इस भूस्खलन ने उन्हें काल का ग्रास बनाया, जिसमें से 48 लाशें मिल गई, परंतु एक लाश का कोई पता नहीं चल पाया, और उसी के साथ ही बसें लगभग 1 किलोमीटर तक मलबे के साथ नीचे बह गई थी। उसी के बाद ही यहां पर सड़क मार्ग बना दिया गया था, जो कि इस कच्ची मिट्टी पर ही बना था। इस साल यहां पर जिला मंडी में अधिक बारिश होने के कारण इन बरसाती नालों ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया, एवं यहाँ पर पुराने रोड को अपने साथ बहा के इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया, और अभी प्रशासन के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। परंतु लोगों का यह भी आरोप है कि प्रशासन के द्वारा बहुत ही ढील बरती जा रही है। हालांकि यहाँ पर रोड पूरी तरह से बना दिया गया है, परंतु अभी भी वाहनों की आवाजाही के लिए इसे सुरक्षित नहीं माना गया है, जिस कारण इसे लगभग अगले 3 दिन तक भी पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन के द्वारा ढील बरतने एवं सुस्त रवैये को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था, परंतु आज यहाँ पर SDM एवं DC मंडी ने इस सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। अभी यह सड़क मार्ग अगले कितने दिनों तक बंद रहता है, यह तो केवल समय ही बता सकता है। माना जाता है कि इन पहाड़ियों में चटानी नमक पाया जाता है। गुम्मा एवं द्रंग में ये यहाँ पर चटानी नमक की भी खाने हैं। जगह जगह पर यहाँ पर नमकीन पानी भी निकलता है। चटानी नमक जो है पानी के साथ घुलकर नीचे जगह खाली कर देता है, जिस कारण यहाँ पर जगह जगह पर रोड के बैठने एवं मिट्टी के धंसाव की घटनाएं होती रहती है। इससे पहले भी गुम्मा में बहुत बार रोड बंद होता था, और उसी के बाद इस तरफ भी यही कारण बताया जा रहा है। इसी के कारण हमें यहाँ पर सड़कों पर जगह जगह पर दरारें तथा उनके धंसाव नज़र आते हैं, जो कि हर साल बढ़ते जाते हैं। गुम्मा से पीछे तथा घटासनी के आगे गांव लुंड्रा में हम उस तरह का धंसाव सड़क में देख सकते हैं, जहाँ पर हर साल ही सड़क नीचे बैठ जाती है, और इसे ही एक बड़ा कारण बताया जाता है
कि यहाँ पर रेलवे लाइन केवल जोगिंदर नगर तक ही सीमित रही। सड़क की मिट्टी अभी भी कई जगहों पर दलदल की तरह है तथा वे किसी व्यक्ति के चलने पर भी हिलने लगी है, जिस कारण अभी तक यहाँ पर बड़े वाहनों की बहाली नहीं की जा सकी है। बहुत से वाहन यहाँ पर पिछले 10-11 दिनों से भी रुके हुए हैं और प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार अभी तक अगले 3 दिनों तक यहाँ पर कोई भी छोटी बड़ी गाड़ी को आने से मनाही है। यह रोड अगले तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। लगभग 11 दिनों से बंद पड़े इस मुख्य मार्ग के कारण स्थानीय लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 154 है। तथा यह आर्मी की गाड़ियों के आवाजाही का भी मुख्य सड़क है। प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यह रोड अगले 3 दिनों तक बंद रहेगा। और ये इस तरफ की पुराना लैंडस्लाइड है और ये अभी कुछ सालों में साल दर साल नया आ रहा है। इसी के साथ यहाँ ऊपर गांव सराज बागला है, इस तरफ जगेड़ है, उसको भी खतरा पैदा हो गया है। तो आशा करते हैं, और यहाँ पर हमें चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देती है तथा यहाँ से हमें काले रंग की, पीले रंग की, लाल रंग की, भूरे रंग की चिकनी मिट्टी भी दिखाई देती है। यहाँ पर पानी इतना बढ़ गया था कि पुराने रोड का पता ही नहीं रहा है तथा परंतु उसके कुछ अवशेष हम यहाँ पर देख सकते हैं। पुलिस विभाग की कुछ टीमें यहाँ पर हर वक्त ही तैनात रहती हैं। छोटी गाड़ियाँ एवं बसें घटासनी से ऊपर को झटिंगरी घोगरदार होकर पत्थर बाजार को जा रही हैं। ये यहाँ पर गाड़ियों को रोकने के लिए लगाया गया बाड़, पक्का बाड़, वेरी क्रिएटिव। से अभी एक स्कूटी वाले वहाँ से आ रहे हैं, तो आप भी छोटे वाहनों के साथ यहाँ से सफ़र कर सकते हैं। तो प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार यह सड़क मार्ग अगले आने वाले 3 दिनों तक बिल्कुल बंद रहने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, बने रहे हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो हमारे चैनल की, तो इसे शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ। धन्यवाद।